आपके मन में सवाल है, लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन 6 होगा या नहीं, क्या एक बार फिर देश में सख्त लॉकडाउन 6 लागू हो सकता है, क्या आपने भी 15 जून से देश भर में फिर लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन वाली खबरें देखी है। खबरें झूठी है लेकिन क्या ये सच हो सकता है? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहे हैं तो चलिए डालते हैं एक नजर इन जवाबों पर। लॉकडाउन 6 सख्त आने की सभी संभावनाएं। पहली संभावना, भारत डेंजर जोन में। देश में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 9,996 मामले सामने आए हैं तथा 357 लोगों की मौत हुई है। उसके साथ ही संक्रमण के कुल 2,86,579 मामले सामने आ चुके हैं तथा कुल 8,102 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसके मुताबिक लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है जब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या इलाज करवा रहे लोगों की संख्या से ज्यादा है। वहीं जापानी वित्तीय अनुसंधान फर्म नोमुरा ने संक्रमित मामलों की संख्या में कमी नहीं आने पर भारत में दोबारा लॉकडाउन की आशंका जताई। जापानी वित्तीय अनुसंधान फर्म नोमुरा ने भारत को उन 15 देशों में शामिल किया है जहां अनलॉक के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी हुई है। नोमुरा ने इस रिसर्च में 45 देशों को 3 कैटेगरी में रखा है, पहली ऑन ट्रैक, दूसरी वार्निंग साइन और तीसरी डेंजर जोन की है। भारत को डेंजर जोन में रखा गया है। दूसरी संभावना, भारत करे देश भर में लॉकडाउन, WHO। लेकिन WHO भारत के हालातों से काफी चिंतित है। उन्होंने चेताया है कि अगर भारत में जल्द लॉकडाउन लागू नहीं किया गया तो हालत बेहद खराब हो सकती है। WHO ने सलाह दी है कि भारत चाहे तो रुक रुक कर लॉकडाउन लागू करे। तीसरी संभावना, फिर लग सकता है लॉकडाउन, मीटिंग के बाद बोले केजरीवाल। राजधानी में कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए यहां पर फिर से लॉकडाउन लगाया जा सके। अमित शाह से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, गृह मंत्री से कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को लेकर विस्तार से चर्चा की, उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सरकार हालात पर नजर रखे हुए है और रोज आने वाले मरीजों को लेकर गहनता से समीक्षा कर रही है, अगर जरूरी हुआ तो सरकार लॉकडाउन पर फैसला लेगी। चौथी संभावना, महाराष्ट्र फिर से होगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 1,00,000 के करीब पहुंच गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में 3,254 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 9,94,041 पर पहुंच गई है। इसी बीच राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन फिर से लागू किया जाएगा। इन सभी इशारों को आप समझ ही गए होंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब पुख्ता सूत्रों के हवालों से ये खबर आ रही है कि मोदी सरकार सख्त वाला लॉकडाउन फिर से ला सकती है। ये लॉकडाउन 15 से 21 दिनों तक का हो सकता है, यानी फिर से एक बार लॉकडाउन लग सकता है, जो कि लॉकडाउन 1 जैसा सख्त हो सकता है। इस बात के सबूत और इशारे भी साफ मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से बैठक की है, जिससे ये साफ इशारा मिल रहा है कि जिस तरह से तेजी से केस बढ़ रहे हैं, पीएम मोदी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने भी पीएम मोदी को सलाह दी है कि कुछ दिन अनलॉक के बाद एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लाया जाए, जिससे कि देश में कोरोना को खत्म किया जा सके। अब इस फैसले पर पीएम मोदी मोहर लगाते हैं या नहीं, ये तो भविष्य में ही पता लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि बीच सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश भर में 15 जून से एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस वायरल खबर पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB ने फैक्ट चेक किया है। PIB ने फैक्ट चेक करते हुए ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही एक फोटो में दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा ट्रेन और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध के साथ 15 जून से देश भर में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। #PIB फैक्ट चेक, ये #फेक है। फेक न्यूज फैलाने वाले ऐसी भ्रामक तस्वीरों से सावधान रहें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।